हेलो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स डेट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्स सच एज़ प्रिंटर्स एंड सी डीज इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सचेंज फाइल्स और टू अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है कनेक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फाइल्स को शेयर करने के लिए डेटा को शेयर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए तो कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जैसे आपके बहुत सारे कंप्यूटर से अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड है दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क उसके अलावा इंटरनेट भी जो है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का एक एग्ज़ैम्पल है तो नेटवर्क जो है हम इस्टबलिश कैसे करते हैं हम इसको बनाते कैसे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें या तो केबल्स चाहिए होती हैं टेलीफोन लाइंस चाहिए होती हैं रेडियो वेव्स चाहिए होती हैं सैटेलाइट चाहिए होते हैं या इंफ्रा लाइट बीम्स का हम इसमें यूज़ करते हैं अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग टाइप तो कंप्यूटर नेटवर्क के चार टाइप होते हैं ठीक और इसको हमने डिवाइड कर रखा है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग मतलब कि कौन सा नेटवर्क कितना एरिया कवर कर रहा है सबसे पहले आता है हम हमें इसमें लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं लैन दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है मैन तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है वैन एंड द फोर्थ वन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है पैन तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन तो लैन जो नेटवर्क है इट इज़ यूज़ टू कम्युनिकेट इन अ बिल्डिंग ठीक या ये एक बिल्डिंग में या फिर एक अपार्टमेंट में अगर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो आप लैन का यूज़ करते हो आप में से सभी बच्चे जो हैं लगभग साइबर कैफे उन्होंने देखा ही होगा साइबर कैफे में जो नेटवर्क यूज़ होता है दैट इज़ लैन वैसे ही अगर हम लोग जो है अपने घरों में सी सी टी वी कैमराज इंस्टॉल करते हैं और हमारे घर में जो है हर रूम में सी सी टी वी कैमरा है और लास्ट में जो कैमराज हैं वो एक डिस्प्ले पर दिखते हैं या फिर एक जगह पर कोई स्टोर होते हैं ठीक दैट्स ए एग्जाम्पल ऑफ लैन तो लैन का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है छोटे साइज का नेटवर्क है ठीक और इसकी जो लेंथ होती है इट इज़ ऑल अबाउट हंड्रेड मीटर से लेकर एक माइल मैक्सिमम एक मील तक इसकी जो लेंथ होती है वो होती है और इसकी स्पीड है टेन एम से लेकर टेन जी और इसमें जो है हमें कनेक्शन करने के लिए चाहिए होती है केबल्स ठीक ये जो कम्युनिकेशन होता है केबल्स के थ्रू होता है एंड इसकी जो कॉस्ट है वो मैन के कंपैरिजन में या वैन के कंपैरिजन में कम होती है और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है हम इसमें अलग अलग टाइप की वायर्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर्स जो हमारी नॉर्मल वाली वे वायर है और आजकल जो लेटेस्ट है इज़ फाइबर ऑप्टिक्स जिसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है एंड लैंड uh, का आपको डायग्राम दिख रहा है आप इस डायग्राम को देखिए देखिए इसमें जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं केबल के थ्रू अब एडवांटेजेस देखते हैं हम एडवांटेज क्या होते हैं लैंड के फ़ायदे क्या हैं सबसे पहला है स्पीड यानी आप अपना डेटा जो है स्पीड में ट्रांसफ़र कर पाओगे आपको अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ले जाना हो यूजुअली तो आपको क्या करना होगा पहले उस डेटा को कॉपी करना होगा एक पेन ड्राइव है उसके बाद आप उसे दूसरे कंप्यूटर में ले जाकर पेस्ट करोगे मगर आपके वो कंप्यूटर लैन से जुड़े होंगे तो क्या होगा कि आप जो है डेटा को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार नेक्स्ट इज़ कॉस्ट लैंड में क्या होता है बेटा कि आप जो हैं बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर पाते हो एक सिंगल प्रिंटर से ठीक है या फिर एक सिंगल स्कैनर से इसमें जो है आपको एक ही जो पैरिफैलल डिवाइस है एक्स्ट्रा उसकी ज़रूरत पड़ती है ठीक तो इससे क्या होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है अगर आपको जो है हर एक कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच करना पड़ता तो कॉस्ट ज़्यादा होती आपको सबके लिए प्रिंटर लेने पड़ते अगर आप मगर आपने क्या किया कि जो सारे कंप्यूटर्स हैं उनको एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया तो उससे क्या हो गया कॉस्ट बच गई दैन सिक्योरिटी इज दैर आपका डेटा सिक्योर रहता है ई आप ईजिली जो है एक एक से दूसरे कंप्यूटर में मेल भेज सकते हैं रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं आप देखते हैं हम इसके डिसडवान्टेज़ ठीक इसकी जो कमियाँ हैं वो क्या क्या हैं सबसे पहले एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल इसमें जो खर्चा होता है इंस्टॉलेशन में वो बहुत ज़्यादा होता है एंड इट रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम मतलब जो भी इंस्टॉलेशन करने को आदमी आएगा वो भी टाइम लेता है एंड कभी कभी फाइल इंस्टॉल करने में जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है और केबल में ब्रेक दैट इज़ द मैनुअल फॉल्ट कि कभी कभी केबल्स टूट जाती हैं फिर आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन मतलब ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी की रेंज में होता है एक शहर में फैला हुआ होता है तो इसकी रेंज क्या है लें से ज़्यादा है एंड इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो थोड़े से बड़े एरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो केबल नेटवर्क अब केबल नेटवर्क क्या होता है बेटा देखा होगा एक सर्विस प्रोवाइडर है केबल नेटवर्क का वो क्या करता है पूरी सिटी में केबल को प्रोवाइड करवाता है ठीक और इसके लिए जगह जगह उसने क्या लगाए होते हैं अलग अलग डिवाइसेस लगाई होती है लाइक स्विचेस होते हैं हब्स होते हैं तो केबल नेटवर्क जो है इट्स एग्जांपल ऑफ मैन ठीक और इसमें जो स्पीड होती है डेटा शेयरिंग की दैट इज़ फास्ट इन कंपैरिजन टू लैंड लाइन के कंपैरिजन में फ़ास्ट होती है इसकी रेंज है फाइव से फिफ्टी किलोमीटर ठीक और एग्ज़ाम्पल देखो टी नेटवर्क अब आपको मैं एक ड्राइग्राम दिखा रहा हूँ जिस डाइग्राम को देखो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है देखो एक छोटा लैन है फिर उसको हमने स्विच से कनेक्ट कर रखा फिर बड़े दूसरा लैन है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नेटवर्क जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं देन द नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क वैन वैन जो है ये लार्ज एरिया को कनेक्ट करता है जैसे कंट्री है कॉन्टीनेंट है या पूरी दुनिया है तो वैन जो है इसमें छोटे छोटे लैंड जो है कनेक्ट होकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं एग्जाम्पल है इसका इंटरनेट इंटरनेट में क्या होता है देखो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जब ये सब मिलती हैं तो क्या बनता है इंटरनेट बनता है एक नेटवर्क का जाल बनता है और ये जो है बड़ी बड़ी डिस्टेंसिस को कवर करता है एंड uh, इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसमें हमें जो है uh, बड़ी बड़ी डिवाइस लाइक सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है एंड ब्रिजेस uh, की ज़रूरत होती है राउटर्स की ज़रूरत होती है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिवाइसिस की ज़रूरत होती है तो ये है हमारा फैन ठीक इसका डायग्राम देखो ये जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क का जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ठीक अब जो है लास्ट एप पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसको आप कहते हो पैन आप लोग इस नेटवर्क से तो आ, बहुत ज़्यादा परिचित हो गए पैन जो है आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अगर आपने अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट यूज़ किया है वो जो है एग्जांपल पैन का है या फिर आप अपनी ईयर प्लग्स को या हेडफोन्स को जो है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हो वो भी एग्जांपल है पेन का अगर आपने शेयर इट शेयर मी या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशन से जो है डेटा शेयर किया है वो भी एग्जांपल है पैन का तो पैन क्या होता है बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है और इसकी रेंज क्या होती है कम होती है तो इसमें हम दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर, कर पाते हैं इसकी रेंज इज़ मैक्सिमम टेन मीटर के राउंड इसकी रेंज होती है और इसका जो यूज़ है हम छोटे छोटे एरियाज में करते हैं ठीक है ये वायर्ड भी, भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है एंड इसका जो काम है डेटा शेयरिंग करना है या नेटवर्क की शेयरिंग करना है अब देखो पैन का एग्जाम्पल इट इज़ कॉमन यू मस्ट हैव सीन इट फ़ोन को अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो या फ़ोन को जो है प्रिंटर से कनेक्ट कर रहे हो वायरलेसली या वायर्ड तरीके से डेट इज़ पैन सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो